Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। राइट्स ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ये दो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं और हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं दोनों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा जहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन की जो वैकेंसी काउंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा दोनों नोटिफिकेशंस पर जहां पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे नोटिफिकेशंस का। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वेबसाइट है इसकी www.rights.com। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब यहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका जो वैकेंसी काउंट है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की 48 वैकेंसीज हैं और इंजीनियर की 48 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो आपका वैकेंसी काउंट है वो है 96। 28 जुलाई 2021 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहां पर आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई और इंजीनियर की पोस्ट लिए आपकी मैक्सिमम एज यहां पर 32 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 12 लाख रुपए पर एनम की रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी में आपका जो गेट का स्कोर है उसका 75% वेटेज रहेगा और 25% रहेगा आपके इंटरव्यू का बेसिस पर, इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। और इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका देखिए सिलेक्शन है वो एक्सपीरियंस में 5% वेटेज रहेगा, रिटन टेस्ट का 60% और इंटरव्यू का 35%। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अब हम चलते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो अपने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जो आपके गेट 2020 और 21 के स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी वैकेंसी हो गई 48। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल मांगी गई है। एज लिमिट की कट ऑफ डेट है आपकी 1 जुलाई 2021। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन है वो गेट स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। 75% आपका वेटेज रहेगा गेट के स्कोर का और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 25%। तो ये आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी जो 40,000 रुपये रहेगी और बाकी जो आपकी सारे अलाउंसेस को जोड़कर सैलरी बनेगी वो लगभग बनेगी 12 लाख रुपए पर एनम। एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए की एप्लीकेशन चार्जेस रखे गए हैं। आपको राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए ये आपका है राइट्स में इंजीनियरिंग की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सिविल इंजीनियर की 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 15 और इलेक्ट्रिकल की 8 वैकेंसीज है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी हो गई यहाँ पर 48। एज लिमिट आपकी 32 साल है और आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, जो क्लियरली मेंशन है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का वेटेज 60% रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज 35% और 5% वेटेज रहेगा आपका एक्सपीरियंस का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी सैलरी की बात आती है तो पे स्केल वही रहेगा जो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पे था और यहाँ पर भी आपका 12 लाख रुपए पर एनम का जो है वो पैकेज रहेगा। एप्लीकेशन चार्जेस भी सेम है आपके जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के, आपको राइट्स की वेबसाइट पर विजिट करके इसमें अप्लाई करना होगा। तो देखिए जो दोनों नोटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक आपका गेट के स्कोर के बेसिस पर है, आपका गेट के जरिए आपका एक में सिलेक्शन होगा और दूसरा विदाउट गेट का है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और इंजीनियर्स की पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 96 वैकेंसीज हैं दोनों नोटिफिकेशंस को मिलाकर।
और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास। इस टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की और इसमें आपको मिलते हैं 22,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। और अभी देखिए यहाँ पर आपकी मंथ एंड लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास अवेल कर सकते हैं और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की। और अगर आप मोबीक्विक यूजर हैं तो आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था राइट्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।